झांसी के मऊरानीपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ लोगों का नहाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना चलाई जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से परेशान न होना पड़े। इसके लिए झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, जिन्हें गंगा का लाल भी कहा जाता है, और जिलाधिकारी के अथक प्रयास से झांसी जिले में योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन इस योजना को लोगों ने स्विमिंग पूल बना डाला। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम घाट कोटरा का बताया जा रहा है, जहां पर बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्विमिंग पूल बना दिया गया। इसका वीडियो झांसी में चर्चा का विषय बना है। इस लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूषित पानी नल के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसके बाद झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशों को ठेंगा भी दिखाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।